हाय फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ चमचम की रेसिपी। ये बंगाल की ट्रेडिशनल मिठाई है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं आज चमचम। तो चमचम बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना बनाएंगे। छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो दूध लिया है। तो सबसे पहले दूध उबाल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, दूध मेरा उबल गया है और मैं गैस का फ्लेम अभी ऑफ कर दूंगी और 2-3 मिनट हम रुकेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं और यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच विनेगर और 2 बड़े चम्मच पानी मैंने इसमें मिलाया है और ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे दूध में। तो विनेगर की जगह आप नींबू भी ले सकते हैं। नींबू से भी आप छेना बना सकते हैं, लेकिन नींबू से कभी कभी दूध फटता नहीं है और विनेगर से एकदम आसानी से फटाफट से दूध फट जाता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जहाँ पे हमारा दूध फट जाएगा, बढ़िया से पानी अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा, हम विनेगर डालना बंद कर देंगे। तो देखिए, मेरा दूध फट गया लेकिन अच्छे से नहीं फटा है। और यहाँ पे देखिए, ये एकदम बढ़िया से पानी एकदम अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है। तो मैंने जितना लिया था 2 चम्मच पूरा इसमें लग गया है। तो अब इसको हम छान लेंगे। एक पतला कपड़ा ले लेंगे और उसमें हम इसको छान के और इसको तुरंत ही हम ठंडे पानी से धो देंगे अच्छे से, ताकि जो भी नींबू या विनेगर का खट्टापन रहता है, स्मेल रहती है, वो भी निकल जाएगी और छेना भी हमारा जो है ठंडा हो जाएगा। और ये पानी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंके नहीं। तो यहाँ पे मैंने चाशनी बनाने के लिए 3 कप मैंने चीनी ली है और 1.5 कप मैं यहाँ पर पानी डालूँगी। और चाशनी हमको कोई तार वाली नहीं बनानी है, बस इसको चीनी को अच्छे से घुला देना है पानी में और हल्का सा चिपचिपापन आ जाए उतना हमने इसको उबाल लेना है और चीनी में जो भी गंदा होगा उसको हम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, छेना मेरा तैयार है। मैंने इसको थोड़ी देर रखा था ऐसे ही कपड़े में बांध के और थोड़ा सा मैंने इसको निचोड़ लिया था और बड़ा ही बहुत ही सॉफ्ट सा बहुत अच्छा छेना मेरा आज बना है। अब इसको हम हथेली की मदद से इस तरह से मसल के तैयार कर लेंगे। तो इसमें हमको लगेंगे 5-7 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको 2-3 मिनट ही इस तरह से मैंने हाथ से इसको मसला है, तो ये काफ़ी चिकना हो गया है। और यहाँ पे देखिए, मेरा छेना तैयार है, ये बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए, अब हम चमचम बना के तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा हम लेंगे हाथ में डो अपना और इस तरह से इसको रोल करेंगे। ओवल शेप में हम बनाएंगे इसको। आप चाहें तो इसको चकोर भी बना सकते हैं। और वैसे ज़्यादातर चमचम इसी शेप में बनते हैं। तो ये मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक चमचम बन के हमारा तैयार हो गया है और ऐसे ही हम बाकी भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मेरे सारे चमचम बन गए हैं। तो ये देखिए, और इधर चाशनी भी मेरी बढ़िया उबल रही है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो साफ़ करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था और जो भी दूध में जो भी गंदा होता है वो निकल जाता है ऊपर झाग के रूप में, तो फिर मैंने उसको निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है मैदा और पानी में उसका पतला सा घोल बना दिया है और ये मैंने इसमें डाल दिया है। इससे होगा क्या कि इसमें पूरा झाग बना रहेगा और ऊपर से भी हमारे जो चमचम है वो बढ़िया से पक जाएंगे। तो ये देखिए, एकदम से पूरा झाग बना हुआ है। तो इसी तरह से ये
ऊपर से एकदम बढ़िया से पक जाएगा, नीचे से ऊपर से अच्छे से ये पक जाएंगे। तो इसको अब हम पकाएंगे, हाई फ्लेम पे ही हम पकाएंगे, जैसे हम रसगुल्ले बनाते हैं उसी तरह से पकाएंगे। लेकिन इसमें हम पानी बीच में ऐड नहीं करेंगे, तेज आंच पे ही पकाएंगे। और रसगुल्ले जब हम बनाते हैं तो हम जैसे ही चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगती है हम पानी मिला देते हैं, इसमें हमको पानी नहीं मिलाना है, बस इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे हमने पका लेना है। तो पकाने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 7-8 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए और ये पक गया है। इसमें रस है, लेकिन ये जैसे हमने रसगुल्ले बनाए थे ना, मैंने रसगुल्ले बनाए थे कुछ दिन पहले, तो उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो रसगुल्ले जो हमारे थे ना वो बहुत ही स्पंजी थे, तो ये थोड़े से कड़क हैं, तो ऐसे ही हमको इनको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, चाशनी के साथ मैंने इसको डाला है और इसको हम चाशनी में ही ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसकी फिलिंग इसमें भरेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है पैन ले लिया है, और यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम मैंने यहाँ पे मावा लिया है, और यहाँ पे मैंने एक चम्मच के आसपास चीनी डाली है इसमें, और एक चम्मच ही मैंने यहाँ पे केवड़ा जल डाला है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। और यहाँ थोड़े से मैं पिस्ते डाल रही हूँ कटे हुए, तो इसको अब हम भून लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और ये हो गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको हम ठंडा करेंगे फिर। तो देखिए ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, अब इसको फैला देंगे प्लेट में। फ्रिज में नहीं रखना है इसको, हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही बाहर ही रख के इसको हम फैला के इसको इस तरह से ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम चमचम अपने चेक कर लेते हैं, ये भी ठंडा हो गया है और इसको अब हम चाशनी में से बाहर निकाल देंगे। एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं और जो मावा हमारा है ये भी ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा नहीं है, हल्का सा गुनगुना सा है। तो इसको इस तरह से मैं हाथ से मसल के थोड़ा सा और इसको चिकना कर लूँगी। तो देखिए मावा हमारा एकदम तैयार है स्टफिंग करने के लिए। तो चलिए अब हम अपने चमचम जो है उसको कट करके तैयार करते हैं और इसमें स्टफिंग भर देंगे। तो यहाँ देखिए एक चमचम हमने उठाया और इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे और इसको पूरा अलग नहीं करेंगे, चाहे तो आप अलग भी कर सकते हैं, दो पीस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से हल्का सा जुड़ा हुआ है और इस तरह से बीच में से कट लगा दिया है। और इसमें से अब थोड़ा सा हम मावा उठाएँगे और इस तरह से मैं रोल करके इसके बीच में इसको भर दूँगी, इस तरह से भर देंगे इसको, हल्का सा ऊपर से दबा देंगे। तो इसकी स्टफिंग आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, आप मावे के साथ या फिर आप अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको बना सकते हैं स्टफिंग, जैसी भी आपको पसंद हो आप अपने पसंद के हिसाब से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से भर दिया है और थोड़े से कटे हुए पिस्ते मैंने इसमें ऊपर से मैं लगा रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे लगा देंगे हम केसर, तो ये केसर मैंने यहाँ पे भिगा के रखा हुआ था और ये मैंने इसमें लगा दिया। तो ये देखिए एक चमचम हमारा बनके तैयार है, ऐसे ही हम बाकी बना के भी तैयार कर देंगे। तो फ्रेंड्स दिवाली आ रही है, तो इस बार दिवाली पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी हम लोग जब मार्केट में जाते हैं त्योहारों के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा मिलावट वाली मिठाई मिलती है, हर चीज़ में मिलावट है, तो अपनी हेल्थ से खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही बहुत ही आसानी से बहुत
कम टाइम पे और बहुत अच्छी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत आसान है बनाने में और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस छेना आपका बढ़िया बन जाए और उसके बाद इसको आप आराम से बना सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ मेरी चमचम बनके एकदम तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनी है। आप लोग भी इस दिवाली पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।